छोटी गोलटोली पुलिस ने बैंक से धोखाधड़ी के मामले में प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। मामला छोटी गोलटोली थाना क्षेत्र के शुभ लक्ष्मी बैंक का है। यहां 2015 में दो कंपनियों ने 70 लाख का लोन लिया था, जिसके बाद अटैच प्रॉपर्टी को अनुबंधित कर उसे बेच दिया गया, जिसकी शिकायत बैंक मैनेजर ने छोटी गोलटोली पुलिस में दर्ज करवाई है। मामले में फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। हमारे यहाँ एक शुभ लक्ष्मी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, जो महिला बैंक है, पूरे मध्य प्रदेश का एक अकेला महिला बैंक है, जिसको महिलाएं रन करती हैं, महिला मैनेजर हैं और महिलाएं संचालित करती हैं, महिलाओं के ही उसमें अकाउंट हैं। तो उनकी मैनेजर कल हमारे पास आई, उनका नाम है मैडम का प्रबंधक शुभ लक्ष्मी महिला कोऑपरेटिव बैंक की, मंजू मैडम, पति महेश शर्मा जी। उन्होंने कल आके एक एप्लीकेशन दिया कि उन्होंने दो महिलाओं को लोन दिया था पहले, जो कि मैसर्स राज एग्रो कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स अंकुर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड की ओनर थी, सदस्य थी। उनके द्वारा 70 लाख रुपए का लोन लिया गया था। उस लोन के एवज में उनकी कोई अन्य मित्र महिलाएं थी, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बंधक रखी थी। बंधक रहने के दौरान जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बंधक रखी थी महिलाओं ने, उन्होंने किसी एक्स पर्सन के साथ 40 लाख का ट्रांजेक्शन कर लिया। उन्होंने अनुबंध लेकर 40 लाख रुपए हासिल कर प्रॉपर्टी सेल करने का अनुबंध कर लिया। तो बैंक का कहना यह है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, और उन्हीं के कहने पर, उनके द्वारा एप्लीकेशन देने पर, कंप्लेन करने पर प्रथम दृष्टया धारा 420 का अपराध पंजीबद्ध मैंने किया है।